स्टार्ट करिए मैम। जी सर, मैं दीपिका शर्मा टोहाना हरियाणा से आज के इस शानदार प्रोग्राम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हम इस पे दो चीज में बात करेंगे, लर्निंग एंड अर्निंग। लेकिन कुछ भी बोलने से पहले मैं आज यहाँ पर कुछ बोल पा रही हूँ और आज यहाँ पर बैठी हूँ, तो उसके ऊपर मेरे बहुत ही ज्यादा बड़े सीनियर्स डॉक्टर रविंदर सर, निशा भारती मैम और माननीय मुकेश सर को बहुत ज्यादा योगदान है मुझे सिखाने पे हर पल। तो मैं उनको नमन करती हूँ दिल से और उनका स्वागत करती हूँ आज के इस प्लेटफॉर्म पर, और बाकी ऐसी ग्रेट ग्रेट अपलाइन को दिल से धन्यवाद करती हूँ। और आज हम दो चीजों पर बात करेंगे, लर्निंग और अर्निंग, जिसकी हर परिवार को आवश्यकता है। हर पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चे बहुत ज्यादा काबिल बने, हर फील्ड में वो अव्वल आए, उनको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो इसीलिए मैं उनकी नीड पे बात करूंगी, हमारे बच्चे अपना बेस्ट दिखाते रहे। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जहां पर भी बैठे हैं वहां पर 30 से 35 मिनट ध्यान से बैठिए और हमें ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जो कि अभी किसी भी कोई भी आज तक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च नहीं हुआ है जो हमारे बच्चों को लर्निंग दे सके, और वो भी कुछ तीन तीन हम दिन में तीन तीन उनके बारे में हम नॉलेज ले सकते हैं, कोई भी तीन पे उस पे नॉलेज ले सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, आपका कुछ भी ना छूटे। अगर मौसम की वजह से हमारा फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है तो प्लीज आप उसको रिकनेक्ट करें, और साथ में कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठें, क्योंकि अगर मन में आपके प्रश्न जरूर आएंगे, क्योंकि वो आना स्वाभाविक है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म इतना अच्छा है और ये प्रोडक्ट इतना अच्छा है कि आपके मन में क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो आप उनको जरूर नोट करना, और जिसके भी माध्यम से आप यहाँ पर आ जाए तो उनसे उस प्रश्न को उत्तर जरूर लेना। तो बाकी बाकी सब क्लियर करने के लिए हमारे बीच में, इस प्रोग्राम की जानकारी देने के लिए हमारे बीच में पहुंच चुके हैं, जो कि पेशे से एक गवर्नमेंट जॉब में है और एक बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं, यूट्यूबर हैं, उनके 12,000 से ज्यादा फॉलोवर हैं और सैकड़ों लोगों को लर्निंग के माध्यम से उनको नॉलेज दे चुके हैं। तो मैं ऐसी ग्रेट ग्रेट अपलाइन अपनी माननीय पवन सर को आप सभी के वार्म सहयोग से बुलाना चाहूंगी। प्लीज हेल्प मी टू वेलकम ऑन जूम स्क्रीन मिस्टर पवन सर। थैंक यू दीपिका मैम, थैंक यू आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उस परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने मुझे ये बेहतर अपॉर्चुनिटी प्रदान की, और साथ के साथ डॉक्टर रविंदर सर का, जो कि हमारे ग्रेट अपलाइन है, उनका भी नमन और नमस्कार करता हूं मैं उनको, और निशा भारती मैम को और मुकेश सर को, सभी को हार्दिक अभिनंदन है मेरा। तो आज का इस प्रोग्राम शुरू करने से पहले आप लोगों से कुछ वार्तालाप जरूर करेंगे हम लोग, और आज का जो सेशन है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग, मैं अपने इंट्रोडक्शन दूं, मैं पवन शर्मा टोहाना हरियाणा से, मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, साथ के साथ मैं यूट्यूब चैनल भी चलाता हूँ, और इसके साथ साथ मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम भी मैं करवाता हूँ। आज मैं जो जिस प्रोग्राम के माध्यम से हम बात करने जा रहे हैं, तो चलिए उसको शुरुआत करते हैं ज्यादा विलंब ना करते हुए। देखिए कितने प्यारे पिक्चर है, वी आर व्हाट वी थिंक ऑल द, हम क्या सोचते हैं वही जो सोचते हैं हम वही बन जाते हैं, देखिएगा। और हम लोग शीशे में लोग रिपेयर करते हैं अपने आप को। मैंने एक बात सीखी है, मेरे बात मेरे सीनियर ने मेरे को अक्सर सिखाई है, वो क्या सिखाई है दोस्तों, जो लोग टीवी देखते हैं, जो लोग व्हाट्सएप चलाते हैं, जो लोग फेसबुक चलाते हैं, जो लोग टीवी देखते हैं, ये चांस उनका बिल्कुल ही खत्म है कि वो कभी टीवी में आएंगे। परंतु जो लोग टीवी नहीं देखते, अपने आप को स्किल डेवलपमेंट पर लगाते हैं, अपने आप को अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर लगाते हैं, तो वो लोग गारंटी है कि वो कभी ना कभी टीवी पर जरूर आएंगे। चलिए अभी आपका ब्रेन का एक टेस्ट लिया जा रहा है, उस टेस्ट के ऊपर मैं अभी एक अगली जो स्लाइड दूंगा, आप सभी बड़े ध्यान से देखना उस स्लाइड को, और देखने के बाद चैट बॉक्स में जरूर लिखना कि सर क्या है उसमें, क्या खूबी है, क्या गलती है। आपके ब्रेन का टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद हम अगला प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए वेलकम टू
21 सेंचुरी बिकम ए विजनर लर्न फ्रॉम पास्ट। फटाफट इस स्लाइड को देखिएगा, इसमें जो आपको लगता है खूबी लगती है, जो भी सिस्टम लगता है उसको चैट बॉक्स में लिखिए प्लीज, एक मिनट का समय हम लिखते हैं, प्लीज लिखिए जो भी जिसको लग रहा है। आप चैट बॉक्स में लिखेंगे तो आपको आगे बढ़ने का हमारे लिए बहुत अच्छा कम्युनिकेशन रहेगा। लिखिए प्लीज, चलिए ज्यादा विलंब नहीं लेते हुए शुरुआत करते हैं। यहां पे आपको नजर आ रहा है, देखिए क्या लिखा है सर, चैट बॉक्स आ रहा है वेलकम, स्पेलिंग सही नहीं है, लर्न फ्रॉम पास्ट एंड बिकम ए विजनर, वेरी गुड वेरी गुड, वेलकम की स्पेलिंग रॉन्ग है। बिल्कुल सर, जो जो व्यक्ति इन स्पेलिंगों को फाइंड आउट कर पा रहे हैं वो दरअसल क्या है कि 21वीं सेंचुरी है ही उलट पलट, 21वीं सेंचुरी में उलट पलट बहुत हुआ है, तो अभी हमें 21वीं सेंचुरी का जो स्वागत है हम इसी तरीके से उलट पलट तरीके से कर रहे हैं। बिकम ए विजनर, 21वीं सेंचुरी में आपको विजनर बनना पड़ेगा, लर्न फ्रॉम पास्ट। अब जैसे मैं यहां से एक बात कहना चाहूंगा, देखिए कोरोना आया था सर मार्च 2020 में, मार्च 2020 में कोरोना आया था और लगभग 173 के करीब केस थे। क्या कभी आपने सोचा था कि कोरोना इस तरीके से वाइड हो जाएगा, क्या इस तरीके से फैल जाएगा? नहीं, परंतु इसने पूरी हमारी अर्थव्यवस्था की, और एक ही आया था बड़ा प्यारा सा जिसे हम कहते हैं लॉकडाउन। लॉकडाउन हम सब ने देखा है, हम सब जानते हैं ये लॉकडाउन आया था। और मैं फिर वापस एक बार कह रहा हूं, यहां से देखिए बिकम ए विजनर लर्न फ्रॉम पास्ट, मेरी बार बार ये बात रहेगी, बिकम ए विजनर लर्न फ्रॉम पास्ट। जो भी व्यक्ति इस लॉकडाउन से सीख लिया, जिन्होंने समझ लिया, वो ऑनलाइन पर चले गए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ढूंढ लिया, उनको पता लग गया कि ये मैनमेड वायरस है, ये जल्दी से जाने वाला नहीं है, परंतु जिनको उम्मीद थी वो फिर से वापस आए और सेकंड लॉकडाउन अप्रैल 2021 में लगा। पहले लॉकडाउन के अंदर जान और माल की बात करें तो जान तो बच गई थी, माल का नुकसान हुआ था, पर सेकंड लॉकडाउन के अंदर दोस्तों हम बात करें जान और माल की तो क्या करेंगे, जान भी गई और माल भी गया। ऐसे ऑक्सीजन के सिलेंडर के सामने हमने देखा है लोगों को देखा है। मैंने फिर कहा बिकम ए विजनर लर्न फ्रॉम पास्ट, इन लोगों ने पास्ट से नहीं सीखा, मास्क लगा के चलते, दूरी बना के रखते तो क्या प्रॉब्लम आती, नहीं तो बिकम ए विजनर। अब देखिए तीसरा मेरा अहम सवाल है दोस्तों, अभी आपने देखा सेकंड लॉकडाउन लग गया, ये तीसरी लहर की बात हो रही है, तीसरी लहर, बिकम ए विजनर लर्न फ्रॉम पास्ट, जो व्यक्ति इससे समझ गया होगा, सीख गया होगा, तो पास्ट से सीखेगा। भी पीछे भी लॉकडाउन लगा है तो कुछ ऐसा काम करना चाहिए, मैंने देखा है दोस्तों, मेरा खुद का अनुभव रहा है, मैं बाजार में निकलता था, दुकानदार अपने शटर घेर के दुकान के आगे बैठे होया करते थे, तो उनसे सीखिए सर, पास्ट से सीखिए, पास्ट में जो आपके साथ गया सीखिए। अब सीखने के बाद देखिए ये इफेक्ट ऑफ कोविड, स्कूल क्लोज, जिम क्लोज, शॉप क्लोज, सिनेमा क्लोज, ये सब हमारे सामने हुआ है, कोई नई बात नहीं है, 21वीं सेंचुरी में उलट पलट हो रहा है, सब कुछ उलट पलट हो रहा है। तो देखिए दोस्तों क्या ये रोए, स्कूल वाले रोए, इन्होंने सॉल्यूशंस फाइंड आउट किया, ऑनलाइन पर चले गए, जूम, गूगल मीट, ऑनलाइन एक्सरसाइज, ऑनलाइन शॉप, नेटफ्लिक्स, सिनेमा ने भी ढूंढ लिया अपना नेटफ्लिक्स। अब देखिए यहां तक हम ढूंढ चुके हैं, बात आती है सर व्हाई डू वी स्टडी, हम क्यों पढ़ते हैं, हमारे पास दो रास्ते होते हैं, लिमिटेड इनकम, अनलिमिटेड इनकम। लिमिटेड इनकम के लिए हमें जो स्कूल में सिखाया जाता है वहां पे हमारा मेन मकसद होता है, हमारे समाज ने जो हमारे आज दी है, देन दी है, वो दी है, हमारे दिमाग के अंदर एक पिक्चर फिट कर दी गई है, जॉब जस्ट ओबे यूर बॉस, जस्ट एक बॉस होता है जिसका हमें ओबे करना होता है, एक लिमिटेड सैलरी होती है, उसके बाद हम अपनी जिंदगी गुजार देते हैं और हमारा बच्चा जो है नेक्स्ट जो है वो फिर जॉब की तलाश में लगता है, हमारी पूरी पीढ़ी इसी तरीके से निकल जाती है। परंतु दोस्तों एक सवाल जरूर है, पढ़ाई हम अपने अपने स्टैंडर्ड के लिए, लेवल के लिए करते हैं, ना कि हम अपने उसके लिए करते हैं। तो अब यहां से देखिए आपके पास रास्ते हैं, आप लिमिटेड में जाएंगे तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस इजकल टू टू ए बी, साइंस के थीटा प्लस कोस के थीटा इजकल टू वन, बराबर ये जो चीजें हैं ये बाजार में कहीं काम नहीं आती। हाँ एक चीज में जरूर काम आती है, पढ़ाने के काम आती है, बहुत अच्छे ढंग से कोचिंग के काम आती है, लेकिन एक रास्ता और है। मेरा एक सवाल है सभी पेरेंट्स से, सभी माँ बाप से, कि दोस्तों आपने कभी भी अनलिमिटेड इनकम की तरफ क्यों नहीं लेके गए उनको, क्योंकि क्योंकि अनलिमिटेड इनकम अब बाजार में कहाँ मिलती है। अच्छा एक बात बताइए, फेसबुक कैसे बनती है, कौन सिखाएगा, व्हाट्सएप कैसे बनता है, कौन सिखाएगा,
यूट्यूब कैसे चलता है कौन सिखाएगा, गूगल कैसे काम करता है कौन सिखाएगा, हमें तो आता एक ही चीज है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2ab, या फिर इंस्टाग्राम कैसे बनता है, ये व्हाट्सएप, ईबे, ये सब यूएसए के प्लेटफॉर्म होते हैं सर, वहां के डॉट स्किल डेवलपमेंट पर काम करते हैं। दीज आर द डिजिटल प्लेटफॉर्म, दीज आर द स्किल डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म, ओला, उबर, ये सब कुछ है। तो दोस्तों देखिए, अभी एक एक चीज और करते हैं, नोटबंदी हुई थी, नोटबंदी के टाइम पर रात के 12 बजे अचानक से एकदम नोटबंदी होगी, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, कैसे पेमेंट आएगी, बहुत सारा हुआ, लेकिन बहुत सारे विजनर लोग थे, मैंने फिर कहा था बिकम ए विजनर, बहुत सारे लोग होते जिन्होंने डिजिटल पेमेंट का आविष्कार किया और पेटीएम बोला। पेटीएम किसी ने तो बनाया होगा, किसी ने तो उस अपॉर्चुनिटी को बनाया होगा। रोते नहीं है दोस्तों, अपॉर्चुनिटी को पकड़ते हैं। जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आती है, जब भी कोई कोई चीज बदलाव आता है तो एक अपॉर्चुनिटी का जन्म होता है। जैसे नोटबंदी का बदलाव हुआ तो डिजिटल पेमेंट का जन्म हुआ, डिजिटल पेमेंट। उसके बाद देखिए कितना मार्केट में कंपटीशन था, अकेला पेटीएम था उस टाइम पे, और पेटीएम के बाद गूगल विजनर बना। गूगल ने सोचा कि फटाफट अगर गूगल पे नहीं करा तो लोग कहीं पेटीएम पे ना चले जाए, फोन पे ना चले जाए। तो दोस्तों इसी तरीके से उन्होंने अपने अंदर किया। अब बात करते हैं दोस्तों, 4G से हम 5G पे जा रहे हैं, मोबाइल भी अब जितने एंड्रॉइड सेट आ रहे हैं सब 5G पे जा रहे हैं। आप देखिए आप कहाँ जा रहे हैं, आप अपने बच्चे को लेकर किस दिशा में जा रहे हैं, ये सब आपने देखना है कि किस दिशा को आप चूज कर रहे हैं। यूएसए जो है फॉरेन कंट्री, वो सोफिया जैसे रोबोट तैयार कर रहा है, डांसिंग कर रहे हैं वो लोग रोबोट के साथ, स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं, और देखिए बच्चे जो है वो रोबोट की टेक्निक बना रहे हैं। और यहाँ पे देखिए रोबोट्स, और अभी मैंने जैसे बात कही रोबोट आने वाले वक्त में रोबोट पढ़ाएगा, ये विजनर, बिकम ए विजनर। अब देखिए कैसे है, आप गूगल पर जाके देख सकते हैं रोबोट टीचर्स प्राइस ऑन एमेजोन। ये देखिए 34,900 रुपए का ये आपका रोबोट है, ये आपको 49,900 रुपए का, ये 28,999 रुपए का, ये सब रोबोट हैं, और ये सब रोबोट पढ़ा रहे हैं। आने वाला जो युग है दोस्तों वो 5G का है, विजनर का है, स्किल डेवलपमेंट का है, ना कि ए स्केयर प्लस बी स्केयर के। कब तक नहीं समझेंगे हम लोग, कब तक हम दूसरों की नौकरियां करते रहेंगे। एक परिवर्तन करना आपके लिए बहुत जरूरी हो सकता है, वो देखिए। अब देखिए बहुत सारे लोग हैं समझ चुके हैं कि अभी कोरोना आएगा, इसलिए बायजूस। दोस्तों मैं इस शाहरुख खान को सलाम करता हूं, बगैर पैसे ये बोलता नहीं है, और ये पैसे लेकर के बात करते हैं, और ये हमें हमें कहते हैं, हमारे बच्चों कहते हैं बायजूस। अब हमें शाहरुख खान को देख के जाना चाहिए या हमें अपने स्किल को लगा के जाना चाहिए? बायजूस, अनअकैडमी, वेदांतु, ये क्या करा रहे हैं सर? यहाँ पे 20-20 साल का, 25-25 साल का एक्सपीरियंस होल्डर टीचर है यहाँ पे बैठे हैं, लेकिन यहाँ पे भी वही चीज पढ़ाई जा रही है जो स्कूल और कॉलेजों में पढ़ाई जा रही है। दोस्तों तालियों के साथ स्वागत किया जाता है एक ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म का जो कि आपकी जिंदगी बदल सकता है। आज अगर आप विजनर बने और लर्नर बने, वो क्या है? MIDG वर्ल्ड। अब MIDG वर्ल्ड क्या है, ये आपके मन में सवाल आ रहा होगा, MIDG वर्ल्ड क्या है? दिस इज स्किल डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म। ओके, स्किल डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है। तो देखिए दोस्तों, स्किल डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म की बात करें तो अब क्या है इसके बारे में आगे जानते हैं। सेलिब्रिटी इंस्ट्रक्टर, दोस्तों जो इसको स्पेशल बनाता है वो है सेलिब्रिटी इंस्ट्रक्टर। अब सेलिब्रिटी इंस्ट्रक्टर की बात करें तो वेलकम टू MIDG वेयर लर्निंग इज ओनली फ्रॉम द बेस्ट टू बेस्ट, जहां पे लर्निंग बेस्ट से बेस्ट होने वाली है, जहां आपका बच्चा अनस्किल। अब देखिए ऑफर क्या करता है, ये आपको स्पेशल क्या बनाता है? लाइव इंटरेक्टिव सेशन, जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं, लाइव इंटरेक्टिव है, मैं जो बोल रहा हूं वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं है, मैं लाइव बोल रहा हूं। लर्न फ्रॉम लीडिंग सेलिब्रिटी, जो अपने फील्ड के लीडर रह चुके हैं, उन सेलिब्रिटी से आपको लर्न करना है। एक्सेस टू सेशन रिकॉर्डिंग, देखिए अगर आपका किसी कारण से जो है सेशन रह जाता है तो उसको एक्सेस किया जा सकता है। एरे मैंने श्रृंखला, एरे ऑफ कोर्स, बहुत सारी श्रृंखलाएं हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं, आपको देखेंगे आगे एक एक करके बात करेंगे। लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस, आपके जितने भी आपके डाउट हैं बिल्कुल लाइव सेशन सॉल्व किया जाएगा। और यहां से बात कर लेते हैं मल्टीपल लैंग्वेज। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर किस लैंग्वेज में, हमें तो इंग्लिश नहीं आती। मल्टीपल लैंग्वेज मतलब हिंदी में सीखना चाहते हैं हिंदी में, मलयालम में सीखना चाहते हैं मलयालम में, जिस भी लैंग्वेज के अंदर आप सीखना चाहते हैं उसी लैंग्वेज को आप सीख सकते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है, अब बात करते हैं सेलिब्रिटी की। सेलिब्रिटी के अंदर हम बात कर लेते हैं लीना मोगरे। देखिए दोस्तों आज पहली बार एक ऐसा सेशन हो रहा है, ये लोग भी समझ चुके हैं, ये बिकम ए विजनर बन चुके हैं, इनको समझ में आ चुका कि पब्लिक से जुड़ने के लिए अब फिजिकली से बजाय ऑनलाइन पर, डिजिटल पर जाना पड़ेगा। और ऑनलाइन पर जाते हुए ये है लीना मोगरे, माधुरी दीक्षित के फिटनेस कोच है, कंगना रनौत के फिटनेस कोच है, आज के बाद से आपके फिटनेस कोच होंगे। आपको सिर्फ एक डिसीजन तो लेना है। इसके बाद केशव अरोड़ा है, आगे आगे देखिए, अगर आप अपने बच्चे का, आपके बच्चे का इंटरेस्ट बनता है
और म्यूजिशियन के अंदर जाना चाहता है तो आप ढूंढते हो सर बेहतर। अब देखिए क्या करते हैं, बेहतर म्यूजिशियन कौन है, बेहतर म्यूजिशियन कौन है सर? दोस्तों अब आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, आपको कहीं सर्च करने की आवश्यकता नहीं है, गो टू द एमआरडीजी वर्ल्ड एंड फाइंड इट। और राघव सच्चर सर क्लास लेंगे, सेलिब्रिटी है सर। उसके बाद नताशा, अगर आपको अपने जैसे आप बहुत सारी लेडीज हैं, जो बहुत सारी माताएं बहने हैं, उन्हें अपने बच्चों को सिखाना होता है खाना कैसे बनाया जाए, बेहतर से बेहतर खाने को प्रोफेशन में बदला है वो है नताशा गांधी। और इसी तरीके से अब देखिए व्हाट मेक अस सो स्पेशल, हमें क्या स्पेशल बनाता है। अब ये सोच रहे होंगे एमआरडीजी वर्ल्ड के बारे में बात करी है तो अभी आगे आगे इंटरेस्टिंग चैप्टर बन रहा है सर। चार चीजें हमें सबसे ज्यादा स्पेशल बनाती है, चार ही चीजें हैं जो हमें मोनोपोली दिलाती है, और चार ही चीजें हैं वर्ल्ड में किसी के पास नहीं है। सबसे पहली बात है यू लर्न फ्रॉम सेलिब्रिटी एक्सपर्ट। आप किससे सीखेंगे? सेलिब्रिटी से, लीडिंग से। और उसके बाद दूसरी चीज हमें जो बनाती है स्पेशल बनाती है लाइव इंटरेक्टिव सेशंस। और तीसरी चीज बनाती है सर इसमें श्रृंखलाएं बहुत सारी हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं, मतलब आप एक का क्लिक करेंगे उसके अंदर 16-17 कोर्सेज आ जाते हैं। और इसके बाद न्यू क्लासेज एडेड एवरी मंथ, मैं खुद देख रहा हूं उसको, वॉच आउट कर रहा हूं। अब देखिए बात करते हैं एक एक करके। अब क्रिकेट सबसे पॉपुलर गेम है इंडिया के अंदर, और लेकिन पेरेंट्स के पास सबसे बड़ी दुविधा यह है कि वो बच्चे का करियर को बिल्ड कैसे करे, उन्हें यही नहीं पता कौन सी एकेडमी बेहतर सिखाएगी, कहां पे वो बेहतर कोर्स कर सकता है। तो दोस्तों मोहम्मद अजरुद्दीन सिखाएंगे आपके बच्चे को, आपके डिसीजन के बाद आप उनसे सवाल करें, आप उनसे पूछे सर मेरे बच्चे को क्रिकेट में आगे जाना है, अगर आपके बच्चे को खाने में जाना है, कुकिंग का शौक है तो संजीव कपूर सैफ सिखाएंगे, और अगर आपके बच्चे का फुटबॉल का है मैच तो यहाँ पे बुटिया सर सिखाएंगे। और अगर बहुत सारे लोग हमने देखा है एक्टिंग करने के लिए मुंबई जाते हैं पर वो फेल होकर वापस आ जाते हैं, दोस्तों अगर आपके बच्चे के मन में एक्टिंग का विचार आ रहा है तो बिल्कुल उसे गुलशन करोड़ से पहले क्लास लगवा दीजिए। गुलशन करोड़ से पूछिए क्या ये वाकई में एक्टिंग करने लायक है सर, क्या इसको भेजा जा सकता है, तो आप उसको फिर भेजिए, रोकिए मत उसको। और इसके बाद आशीष विद्यार्थी इस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लास लगाते हैं और इसे कौन नहीं जानते, बहुत जबरदस्त है। इसी प्रकार से अगर बच्चा डांस सीखना चाहता है तो ये सेलिब्रिटी से सीख सकते हैं मायूस वडेकर, और अगर मॉडलिंग में जाना चाहता है अदिति गुरव, अभिजीत सावंत, ये है सिंगिंग की कला में जाना चाहता है तो आपके पास एस। अब मैं बात करता हूं एक एक करके। अब हमें दूसरा पॉइंट लेते हैं लाइव इंटरेक्टिव सेशन, देर आर नो रिकॉर्डिंग सेशन सर, यहाँ पे लाइव है, मैंने खुद देखा है, मेरा बेटा इसी में कर रहा है तो लाइव देख रहा हूं मैं। वो लाइव में कैसे होता है, आवर सेशन आर लाइव स्नैपिंग टूल्स, जैसे यहाँ पे देखेंगे आप ये लाइव कर रहे हैं, योगा लाइव दिखा रहे हैं, लाइव सब कुछ लाइव है। अब लाइव के बाद अब सवाल आता है सर, पहला पॉइंट आता है सर एस स्किल विद सेलिब्रिटी, एस स्किल सेलिब्रिटी, एस मतलब तुरुक्का इक्का, तुरुक्का इक्का मतलब तुरुक्का इक्का, जैसे तुरुक्का इक्का है। और इसके बाद सेलिब्रिटीज के द्वारा सिखाया जाता है बिजनेस एंड मैनेजमेंट है, कैरियर डेवलपमेंट है, यहाँ पे आप कैरियर डेवलपमेंट भी सीख सकते हैं, कंप्यूटर डिजाइनिंग, कंप्यूटर डिजाइनिंग के कोर्सेज हैं। अब देखिए बिजनेस मैनेजमेंट में जैसे आप क्लिक करेंगे श्रृंखला निकल आएंगी, किस श्रृंखला में जाना चाहते हो, कैरियर डेवलपमेंट में जैसे आप क्लिक करेंगे श्रृंखला निकल आएंगी, किस श्रृंखला में जाना चाहते हो, कंप्यूटर डिजाइनिंग में जैसे क्लिक करेंगे श्रृंखला निकल आएंगी, किस श्रृंखला में जाना चाहते हो, कुकिंग में जैसे आप क्लिक करेंगे कुकिंग की श्रृंखला निकल आएंगी, आप जैसे कुकिंग के अंदर रेस्टोरेंट में आप करना चाहते हैं किस तरीके से। और इसी प्रकार से क्रिएटिव आर्ट, डांस एंड म्यूजिक, हेल्थ एंड फिटनेस, आईटी सॉफ्टवेयर, लर्न लैंग्वेज, लाइफस्टाइल एंड हॉबीज, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, फोटो एंड बहुत सारे हैं सर, कितना दिखाएंगे हम यहाँ पे शॉर्टकट में, मैंने कुछ क्लिप ली हुए हैं मैं आपको वो दिखा सकता हूँ। देखिए लर्न फॉर ग्राफिक डिजाइनिंग, अब आपके मन में आ रहा है कि बच्चों को ग्राफिक डिजाइनिंग सिखाया जाए तो ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए उनसे बात की जा सकती है, ग्राफिक डिजाइनिंग सिखाई जा सकती है। अब आप देखिए यहाँ पे क्या है कि आर्ट ऑफ कुकिंग, मास्टर द किचन, मतलब आप देखिए मास्टर मेकअप आर्टिस्ट, लट्स एक बार दीपिका जी ये मोबाइल लेके जाना, तो द आर्ट, यहाँ पे पेमिस्ट्री, अगर मान लीजिए आपका मन करता है पेमिस्ट्री सीखने का तो आप पेमिस्ट्री सीख सकते हैं, आपका मन करता है टैरो कार्ड सीखने का आप टैरो कार्ड सीख सकते हैं, मेकअप सीख सकते हैं, और आप जैसे आपका पर्सनैलिटी स्टोरी मैपिंग, जैसे बहुत सारे कहते हैं स्टोरी टेलिंग क्या चीज होती है सर, स्टोरी टेलिंग, स्टोरी मैपिंग, क्राफ्टिंग, एक्सप्लोर द वर्ल्ड, आप ये सब चीज सीख सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल सीख सकते हैं, आर्ट ऑफ कुकिंग, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना कम्युनिकेशन स्किल पे तो कम्युनिकेशन स्किल के सारे चैप्टर खुल के बाहर आ जाएंगे, लर्न ग्राफिक डिजाइनिंग, फ्रेंच लैंग्वेज, आप जैसे बाहर फॉरेन जाने में जो कोर्सेज किए जाते हैं वो कोर्सेज,
और जैसे आपके सामने यहाँ पे दिखाया है मेहंदी सीखना, मेकअप के लिए चीजें सीखना, ये सारी चीजें हैं। बुक रीडिंग कोर्स, बुक रीडिंग भी एक आर्ट्स है, वो भी यहाँ पे सिखाया जाता है। लर्न स्क्रिप्ट राइटिंग, दोस्तों फिल्मों में भी स्क्रिप्ट लिखी जाती है, किताब भी स्क्रिप्ट से लिखी जाती है। स्क्रिप्ट राइटिंग कैसे लिखी जाती है वो भी आपका बच्चा सीख सकता है, आपके बच्चे के स्किल डेवलपमेंट हो रही है। इसके बाद लर्न फ्रॉम योगा, एक कंप्लीट गाइडलाइन। इसी तरीके से आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोर्सेज हैं, और यहाँ पे योगा एंड बेटर है। अब आप देख सकते हैं स्टॉक मार्केट, अब आपको आपका बच्चे को सीखना है, किससे सीखेगा? पहला सवाल पैदा था कहाँ से सीखे भाई, बेसिक नॉलेज भी कहाँ से दे, हमें नहीं पता। बाहर बहुत सारे ठग बैठे हैं, हमें कुछ बताएंगे और देंगे कुछ, यहाँ पे आपके पास है, आपके बच्चा यहाँ पे जाके सीख सकता है। ग्राफिक डिजाइनिंग और जैसे अनलिमिटेड पर्सनैलिटी कोर्स, मेंटल मैथ, सेल्समैन स्किल सीखना चाहते हैं तो सेल्समैन स्किल सीख सकते हैं, और यहाँ पे फोटोग्राफी सीखना चाहे तो फोटोग्राफी सीख सकते हैं। इसी तरीके से आप सीख सकते हैं इंट्रोडक्शन, जैसे अब चक्कर क्या होते हैं, बहुत सारे लोग चक्कर जानना चाहते हैं भी क्या है, जैसे कुंडली जागरण क्या होता है वो यहाँ पे बताया जाता है। स्नैक्स एंड डिशेज जितने भी प्रकार के रेस्टोरेंट टाइप में बनाई जाती है वो यहाँ बताई जाती है। कंप्लीट पामिस्ट्री वगैरह, एस्ट्रोलॉजी वगैरह, टैरो कार्ड वगैरह, जुम्बा फिटनेस, बेसिक सिंपल लेसन वगैरह, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्रैश कोर्स वगैरह जितने हैं। अब मेरा बेटा छोटा है, अभी वो नाइन्थ में है, और सॉरी फिफ्थ क्लास में पढ़ता है, और 9 साल का है, वो रोबोट बनाना सीख रहा है। मैंने देखा कि अगर 21वीं सदी जो है वो रोबोट की तरफ जा रही है तो हमारा बच्चा क्यों ना सीखे। देखिए रोबोटिक की ओर से है, कैसे रोबोटिक के बहुत बेहतरीन है, बहुत बढ़िया है, मैं इसकी गारंटी ले सकता हूँ, जिस कोर्स को मैंने देखा मैं उसकी गारंटी। ऐप डेवलपमेंट, अब देखिए मैंने कहा पेटीएम एक ऐप है, गूगल एक ऐप है, ये ऐप है, आपका बच्चा क्यों नहीं सीखेगा? क्या आप जिंदगी भर उन्हें सीखने के लिए कभी मौका नहीं दोगे? क्या कभी नहीं दोगे? तो आपका बच्चा फिर किसी ना किसी की नौकरी करेगा। वो आपका अपना डिसीजन है दोस्तों, आप कैसा डिसीजन लेना चाहते हैं, कोडिंग सीखना चाहते हैं, तो ये सब कुछ है। आप देखिए ये पे बच्चा गेम बनाना सीख जाता है, कोड योर गेम, जब पाइथन की गेम बनती है, इसके बाद पाइथन की यहाँ पे बिकम ए मास्टर, मास्टर बन जाता है, जितनी पाइथन से रिलेटेड गेम है वो सब डेवलप प्रोग्रामिंग कोडिंग कर लेता है उनकी। तो देखिए ये सब के सब चैट बोट, बोट डेवलपमेंट, ये सब बच्चा कोडिंग कर रहा है। आज अगर आपका बच्चा रोबोट बना रहा है, बना पा रहा है, वो रोबोट के अंदर सब कुछ डाल पा रहा है, तो आने वाले युग में बच्चा कैसे होगा? बड़ा साइंटिस्ट बनेगा आपका, लेकिन कैसे बनेगा? स्किल डेवलपमेंट के थ्रू बनेगा। देखिए यहाँ पे यंग है, 3D डिजाइनिंग्स है, बहुत सारे कोर्सेज है दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट है, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर भी आप सीख सकते हैं, बिजनेस लाइफ है, गोल सेटिंग्स है, डेवलपमेंट अमेजिंग है, लाइफ कोच है, ये बहुत सारे कोर्सेज हैं। मैं बहुत सारे तो है, मैं यहाँ पे सभी दिखा नहीं पाऊंगा आपको। पब्लिक स्पीकिंग है, आप देखिए यहाँ पे आप करेंगे, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, पब्लिक स्पीकिंग है बहुत बड़ा है, एंटरप्रेन्योरशिप है, ये सब कोर्सेज हैं। 100 से ऊपर कंट्री में आप इस कोर्सेज को भेज सकते हैं, 35,000 हैप्पी स्टूडेंट्स है, 850 टीचर हैं, 12 से 20 पब्लिक कोर्स है, ये अवर अचीवमेंट है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात है देखिए ब्लॉगिंग, मेंटल मैथ, ईमेल मार्केटिंग, और आप देखते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग, फेसबुक मार्केटिंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, ये देखिए ट्विटर, लिंक्डइन। दोस्तों आपसे एक सवाल है, जितने भी माँ बाप अगर यहाँ पे हॉल में बैठे हैं, मेरा एक ही सवाल है, आपका बच्चा क्यों नहीं, आपका बच्चा क्यों नहीं सीखता इस चीज को? क्योंकि आपको खुद नहीं पता, आप सिर्फ वही काम करवाते हैं जो आपको पता है, या समाज को पता है बस नौकरी मिल जाएगी। दोस्तों इतनी कितनी नौकरी देगी गवर्नमेंट? आपको अपने बच्चे को स्किल डेवलपमेंट में लेना पड़ेगा। अब जहां से बात है, डबल इफेक्ट है, डबल इफेक्ट के बाद ग्राफिक डिजाइनिंग पार्ट सेकेंड, जैसे आप देख सकते हैं लोगो, लोगो भी बहुत बड़े बड़े काम करते हैं। अब एक सवाल पैदा होता है दोस्तों, कोर्स कर लिया, सर्टिफिकेट, बिल्कुल सर, अगर मैं आपको सर्टिफिकेट दिखाऊं मेरे बेटे ने रोबोट का कोर्स किया हुआ है, वो नौकरी के लिए नहीं है, वो लोगों को बताने के लिए, सिर्फ दिखाने के लिए, बताते नहीं होते हम, दिखाते हैं, क्योंकि हमारे बिजनेस में दिखाया जाता है, बताना नहीं होता। देखिए सर्टिफिकेट ऐसे मिलता है, ऐसे मोहम्मद अजरुद्दीन के साइन होंगे, ऐसे आपके जो है गुलशन ग्रोवर जी के साइन होंगे, इसी तरीके से साइन होंगे। अब यहाँ पे ऐप है 15,000 का, तो दोस्तों जब मैंने इस कोर्स को देखा था तो मेरे भी सांस अटकी पड़ी थी, मैंने उसी टाइम डिसीजन ले लिया था कि ये कोर्स तो करना ही करना है। पर जैसे ही हमारे प्रवीण चंदन सर, मैं सलूट करना चाहूंगा, ताली लगाना चाहूंगा ऐसे विजनर के लिए जिन्होंने मोनोपोली दी हमारे हाथ में, आज एक फेसबुक की स्टार्टिंग पॉइंट हमारे हाथ में है, आज सब कुछ हमारे हाथ में, सिर्फ हमें देखना और समझना है। कैसे? देखिए प्रवीण चंद्र सर ने बोला इसकी कोर्स की कीमत 1.5 लाख नहीं, मैंने सोचा बहुत महंगा कोर्स है, 1.5 लाख नहीं, चलो लाख नहीं, 50,000 नहीं, 25,000 नहीं, और लास्ट में बोले 15,000, केवल 15,000, और ये सारे कोर्स आप करवा सकते हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा सर कैसे कैसे किया जा सकता है, मैं आपके सवाल का अभी दे रहा हूं। आप देखिए 15,000 जैसे किया, 16 जून को एक कोर्स लॉन्च हुआ था,
तो दोस्तों विनिंग एटीट्यूड में, जैसे दीपिका मैम ने बताया था कि विनिंग एटीट्यूड के थ्रू, देखिए मैंने 15,000 रुपए लगाए सर, इन्वेस्टमेंट है, मैंने अपने बेटे को दिल्ली में वहां पे भेजा था चंडीगढ़ के अंदर, 10 लाख रुपए उसकी कोचिंग के फीस दिए थे, जो कि नीट की कोचिंग करनी थी उसने, लेकिन उसके बावजूद आज वो डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है, आज एफिलिएट मार्केटिंग कर पा रहा है, आज वो कहता है 2 लाख रुपए डेली छाप दूंगा। दोस्तों ये स्किल डेवलपमेंट का काम है, मैंने प्रैक्टिकल देखा है, मेरा 15,000 किसी भी हालत में खराब नहीं हुआ, मैं कह सकता हूं दावे के साथ, अगर अगले साल फिर देना पड़ेगा मैं दोबारा से दूंगा इसके लिए। देखिए एनरोल इन अनलिमिटेड कोर्सेज, अब आपके मन में सवाल थे वो सवाल के जवाब, अनलिमिटेड जो भी कोर्स आपको लगे घुस जाओ उसमें, देखो उसको अच्छे ढंग से समझ में आए तो करो, नहीं तो छोड़ दो। और इसके बावजूद आपके पास है रिकॉर्डिंग सेशन अवेलेबल, कभी कभी ऐसा होता है कि भाई गाड़ी चला रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो, आपको उस कोर्स को नहीं सुन पा रहे, आप उसको रिकॉर्डिंग को बड़े गहराई से सुन सकते हैं। इंटरेक्टिव सेशन जैसे मैंने बताया, अब आपके मन में एक सवाल हो रहा होगा सर कितने बंदे कोर्स कर सकते हैं, सर 3 सेशन पर डे में 3 सेशन कर सकते हैं, 20-25-22-25-30 दिन का कोर्स होता है, 30-35 दिन का, ये यहाँ पर निचोड़ बता के जाते हैं, और 1 साल तक वैलिडिटी है, वैलिडिटी 1 साल तक है। दोस्तों अब ये था, अब आपके मन में होगा कितनी एज है, 7 साल से, जैसे 7 साल के ऊपर रोबोटिक बना रहे हैं, रोबोटिक मैं दिखा सकता हूँ, ऑल स्कूल एंड कॉलेज स्टूडेंट्स कर सकते हैं, अपर एंड मिडिल क्लास के लोग कर सकते हैं, और देखिए बहुत सारे लोग इसको कर सकते हैं, इसमें कोई नहीं। और मैंने जैसे शुरुआत की थी लॉकडाउन के अंदर दोस्तों घर में पढ़ के, घर में वर्क फ्रॉम होम का काम शुरू करेगा, अब जैसे अब इसको लॉगिन करना होता है, यहां से लॉगिन किया, ईमेल डाली, पासवर्ड डाला, लॉगिन किया, आप एंटर कर गए, और आपने एंटर किया, आप जो मर्जी कोर्स को चूज करो जिसका आपका मन करता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आपको एक कार्ड दे दिया गया और आप जिस मर्जी रेस्टोरेंट में जा करके आप खाना खा के आओ, आपका सिर्फ जाना तो जा तो आप 50 रेस्टोरेंट में जा सकते हैं, लेकिन खाना सिर्फ 3 रेस्टोरेंट में खा सकते हैं, तो आपको अच्छा नहीं लगा छोड़ दो, वहां पे आपको कुछ नहीं मिलेगा, अगले रेस्टोरेंट में खाना खा लो, लेकिन 3 रेस्टोरेंट में खाना खा सकते हैं। तो आप बताइए आपका पेट ही तो इतना है, आपका ब्रेन ही तो इतना है जितना आप उसको कर पाएंगे, इसीलिए उन्होंने सिस्टम को बनाया हुआ है। अब यहां से देखिए एक अहम सवाल दोस्तों, यहां तक हमारा था लर्निंग सेशन, और लर्निंग सेशन के बाद हम बात करने वाले हैं अर्निंग सेशन की। देखिए दोस्तों संसार में 3 चीजें मांगते हैं लोग, मैं 3 चीजों में बात करता हूं। पहला, धन संबंधी जितनी भी सुख सुविधाएं हैं हर व्यक्ति मांगता है, धन से जो भी सुख सुविधाएं मांगती है। दूसरा, नेम एंड फेम, वो भी हर व्यक्ति चाहता है। और तीसरा सर, सोशल वेलफेयर, हर व्यक्ति चाहता है कि वो सोशल वेलफेयर कर सके, वो समाज की सेवा कर सके, लेकिन वो सब का सब टिका होता धन पर, धन होगा तो सब कुछ आएगा। तो दोस्तों जैसे जैसे अब क्या आप लर्निंग के साथ अर्निंग करना चाहते हैं, दोस्तों पहला प्लेटफॉर्म था हमारा केवल लर्निंग का सेशन था, और जिसको भी लगता है कि यहाँ पे अब अर्निंग की बात हो रही है, अब बस यहाँ पे हमारा अर्निंग की बात है, जो अर्निंग के लिए है वो बैठे रह सकते हैं, लर्निंग वाले जा सकते हैं। अब मैं अर्निंग के ऊपर बात करने जा रहा हूं। देखिए दोस्तों ये है फेसबुक का मालिक, ये हॉस्टल से खाने शुरू करी थी इसने, हॉस्टल से यार, आप सबके सामने है, इसने क्या किया स्पेशल, क्या किया आपके आपके सामने है, देखिए प्लीज म्यूट कीजिए प्लीज। हाँ देखिए हॉस्टल से शुरू करी थी और आज 44 लाख रुपए रोज करता है। दोस्तों अगर वाकई में इसके पेरेंट्स को सलाम है, इसके पेरेंट्स को दिल से सलाम है, कम से कम उसने अपने बच्चे के पास स्किल डेवलपमेंट तो दिया, आज वो राज तो कर रहा है। और जिस जो पेरेंट्स अपने बच्चे के हाथ में नौकरी देते हैं तो वो यहाँ पे कर सकते हैं। आप देखिए इसके बाद इन्होंने क्या किया, 44 लाख रोज, इसने इनको पता था नेटवर्क की ताकत, रेफरल की ताकत, इनको पता था लोग रेफरल कैसे करते। अब छोटा सा एक सवाल है आप सभी से, आपने फेसबुक पे जुड़े कैसे, क्या आपको फेसबुक चलाने के पैसे आते हैं, बिल्कुल नहीं आते, फिर आप फेसबुक से जुड़े कैसे। तो अब आपको एक सवाल पैदा होता है दोस्तों, फेसबुक से जुड़ने के लिए आपने क्या किया पता, आपने अपने उनके जो है आईडी बनाई और आगे अपने दोस्तों को रेफर किया, आपने रेफर किया, 1 रुपया नहीं आया, सारे के सारे पैसे फेसबुक का मालिक लेके चला गया। और आज भी आप रेफर करते हो, आज भी आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हो और सारे का सारा फेसबुक का मालिक पैसे लेके जाता है। दोस्तों क्या आपको धन की आवश्यकता नहीं है क्या, अगर आप थोड़ा सा रेफर, थोड़ा सा ब्रेन को अनस्किल करेंगे और समझ पाएंगे तो मैं गारंटी दे सकता हूं आगे का रास्ता आपके लिए बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही मजेदार होने वाला है, ये मेरा वादा है। देखिए अब यहां से देखिए आपने करना क्या है, सिंपल 3 काम जो आज तक करते आए हो, आज तक आम आदमी ने हमेशा परचेजिंग की है,
वो कोट पैंट परचेज किया है और वो जो उसने गाड़ी परचेज की है, लेकिन एक कंडीशन में अप्लाई कर सकता हूं सर, वो जो भी परचेज करता है वो पहले जिसने यूज कर रखी है उससे सलाह जरूर लेता है, सलाह लेता है और उसके बावजूद उस दूसरे व्यक्ति से फिर सलाह लेता है, तीसरे व्यक्ति से सलाह लेता है, फिर जाके वो उसमें रिकमेंडेशन करता है। तो देखिए दोस्तों, अब आपने सबसे पहला काम किया, सिंपल तीन काम किए, परचेज, यूज एंड रिकमेंडेशन। अब आप सोच रहे हो रेफर करना क्या होता है, व्हाट इज रेफरल मार्केटिंग, अभी मैं अभी बात करी, व्हाट इज रेफरल मार्केटिंग, क्या होती है रेफर। जस्ट देखिए दोस्तों, मैं आपको समझाता हूं सिंपल वर्डों में, रेफरल मार्केटिंग ये होती है दोस्तों, ये ट्यूशन सेंटर है और ये जो है ये लड़की जो खड़ी है ये मार्केटिंग कर रही है, ये कह रही है वो सर अच्छा पढ़ाते हैं, वो सर अच्छा पढ़ाते हैं, वो सर अच्छा पढ़ाते हैं, और इसने 50 लोगों को इस सेंटर में बिठा दिया, 50 लोगों को, पर इसको एक रुपया नहीं आया, लेकिन मजे की बात है मार्केटिंग अच्छी कर लेती है। परंतु आज इसको समझना चाहिए कि अगर जब इसके पास पैसे नहीं आए तो इसे मार्केटिंग क्यों करी। अगर मैं यहाँ पे बोलूं शाहरुख खान को बोलूं कि आप सर एक फार्म लेके खड़े हो जाएं और बायजूस के इसी तरीके से बोलिए कि बायजूस के बायजूस में जाइए, बायजूस में जाइए, बायजूस में जाइए, और कह दें आपको एक रुपया नहीं मिलेगा, शाहरुख खान बोले पागल है क्या, पागल वो दुनिया है, मैं पागल नहीं हूं, मुझे पैसा एडवांस में चाहिए तब जाके बोलूंगा, दुनिया मेरे फॉलोअर है। तो दोस्तों हम लोगों के भी फॉलोअर होते हैं, आप लोगों के भी दोस्त फॉलोअर होते हैं, आप अपने फॉलोअर को इस तरीके से ना करें। आज मैं आपको छोटा सा एक मार्केट रेफरल मार्केटिंग के बारे में बता रहा हूं। देखिए इसने रेफर किया और ये रेफरल आ गया। अब यहां से समझिए, हाउ डज रेफरल मार्केटिंग वर्क इन डायरेक्ट सेलिंग एंड एमआईडीजी वर्ल्ड। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर रेफरल मार्केटिंग कैसे काम कर रही है डायरेक्ट सेलिंग और एमआईडीजी वर्ल्ड में। देखिए रेफरल मार्केटिंग क्या होती है, जब आप किसी को रेफरल कर देते हैं उसके बाद वो काम खत्म हो जाता है, एक व्यक्ति तक आपका काम खत्म हो जाता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है, जब एक व्यक्ति आगे से आगे रेफर करे, आगे से आगे रेफर करे, आगे से आगे रेफर करता रहे और आपका काम खत्म ना हो और आपको इनकम कई गुना ज्यादा हो जाए, दैट इज डायरेक्ट सेलिंग। और डायरेक्ट सेलिंग एमआईडीजी वर्ल्ड में रेफरल मार्केटिंग कैसे करती है, आइए अब हम इसको समझते हैं, गहराई से समझते। देखिए दोस्तों ये है, ये जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं आपको एक ईमेल डालनी होती है, ईमेल डालते ही जैसे आपने रजिस्ट्रेशन किया, आपने फॉर्मेलिटी पूरी की, यहां पे एक कोड मांगता है, वो एमआई की आईडी मांगता है। क्या मांगता है, वो एमआई की आईडी मांगता है और वो कहता है कि यहां पे आईडी डाल दो। और जैसे आपने आईडी डाली और नेक्स्ट किया, वो व्यक्ति आपके कोड में शामिल हो गया। अब देखिए मैं आपको आगे समझाऊंगा, ये मेरी आईडी है, ये मेरी खुद की आईडी है और ये खुद की आईडी मैंने नेक्स्ट किया, ये मेरे कोड में जो भी व्यक्ति जिसका भी मैंने रजिस्ट्रेशन किया वो व्यक्ति मेरे कोड में शामिल हो गया। अब बात आ जाती है, चलिए ये तो आसान काम है यार, ये तो मुश्किल काम नहीं है कुछ, क्योंकि रेफरल कोड ही तो डालना है, रेफरल कोड में कुछ भी नहीं हैगा क्योंकि उसने, क्योंकि रेफरल कोड कोई ना कोई तो डालेगा, बिना कोड के तो आगे चलता ही नहीं, तो कोई ना कोई डालेगा, तो उसको कोर्स में जाना है तो क्यों ना हमारे कोर्स में से आ जाए। अगर आपने डाल दिया, अब दूसरी बात आती है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका वो रजिस्टर हो चुका है अब सक्सेसफुली। अब बात आ जाती है सेकंड, पैसे की, लेकिन पे विद, अब देखिए दूसरी बात, डिजिटल पेमेंट, एक मजे की बात हो रहा है ना, अपने पैसे कैश मांग रहे हैं ना कुछ मांग रहे हैं, कोर्स उसने करना है, रेफरल कोड डल चुका, आपका काम हो चुका, अब उसका काम रह गया 12 अक्षर का, यहाँ पे कोड डालता है, कोड डालते ही जैसे वो एक्सपायरी डेट और सीवीसी डालता है और सेव करता है, और सेव करते ही बधाई हो आप सभी को, आपकी आपकी रेफरल मार्केटिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब मैं जरा इसको एक्सप्लेन करके और बताता हूं। देखिए 100 रुपए के 75 रुपए बिजनेस वॉल्यूम होती है। अब आप यहां हो, आपने ऑर्गेनाइजेशन वन में और ऑर्गेनाइजेशन टू में, यहां पे 11,250 बिजनेस वॉल्यूम का, यानी एक व्यक्ति इधर हुआ, क्योंकि 15,000 का 75% कितना हुआ, 11,250, यानी एक व्यक्ति ने कोर्स किया 11,250 बिजनेस वॉल्यूम का, एक व्यक्ति ने कोर्स इधर किया 11,250 बिजनेस वॉल्यूम का, इनकी मैचिंग का 11,250 की मैचिंग का 12% दोस्तों 12,1350 रुपया आज पहली बार पहली कमाई आपको सीखते सीखते आ जाती है। अब हर बुधवार को क्लोजिंग, हर बुधवार को पे आउट होता है और शुक्रवार की क्लोजिंग होती है। अब एक सवाल पैदा होता है, देखिए अब एक बात और है, आप ए को जानते थे, बी को जानते थे, अब ये ए के दोस्त है, ये बी के दोस्त है, इन सबको भी रेफरल कोड चाहिए, इन सबको भी रेफरल कोड चाहिए, कोर्स तो इनको करना है। अब ये क्या करता है, मैं अपना कोड डाल देता हूँ, ये इनके आइडिया लगवा देता है और इनके कोड डाल देता है, और कोड लगते ही ये ऑर्गेनाइजेशन वन में लग जाता है, ये बी में लग जाता है, बी ये ऑर्गेनाइजेशन में लग जाता है, ये ऑर्गेनाइजेशन में लग जाता है। इसी प्रकार से दोस्तों क्या सी के दोस्त नहीं है, रेफरल चलता रहेगा, रेफरल यहीं तक खत्म हो जाता, लेकिन ये डायरेक्ट सेलिंग का रेफरल है,
डेट सेलिंग का रेफरल में क्या होता है कि यहां से देखिए 11,250 11,250 आज रेफरल मार्केटिंग के थ्रू आपके पास 1,350 रुपए सी के घर में भी आ रहा है, ये कोर्स भी कर रहे हैं, डी भी कर रहे हैं, ई भी कर रहे हैं, एफ भी कर रहे हैं, तो दोस्तों ए और बी 4,050 रुपया इनके घर में भी कोर्स आ रहा है। अब यहां से बात करते हैं आपकी जो सेल है बिजनेस वॉल्यूम के अंदर 78,750 की, 78,750 इसकी मैचिंग का 12% कितना हुआ, 9,450 रुपया। दोस्तों एक सवाल है, आप देखिए आप ए और बी को जानते थे, ये इतना पैसा कैसे आ रहा है सी डी की, ये रेफरल फैल जाएगा जैसे कोरोना वायरस फैला था, ये रेफरल फेसबुक की तरह फैल जाएगा, और जिस दिन ये फैल गया दोस्तों क्रांति आएगी ही आएगी, किसी का बाप क्रांति होने से नहीं रोक सकता। अब देखिए कैसे, मैं आपको बताता हूँ सर, यहाँ पे कैपिंग रखी है 2,10,000। अब आप सोच रहे होंगे पैसा देंगी कहां तक कंपनी, देखिए दोस्तों कंपनी ने एक लिमिट लगा रखी है, कोर्स वालों को भी फीस देनी है, सैलरी वालों को भी फीस देनी है, उन्होंने वेबसाइट वालों को भी देना है, और इसकी जो सारे जितने भी काम करने हैं उन्होंने ये खर्चे करने हैं, उसके बावजूद उन्होंने 2,10,000 कैपिंग लगा रखी है। आप एक हफ्ते में 2,10,000 और एक महीने में आप लगभग 8,40,000 और साल में 1 करोड़ प्लस, 1 करोड़ प्लस, बिल्कुल सर बिल्कुल, जाइए मत देखिएगा कोर्स से 1 करोड़ प्लस कैसे होता है। आगे चलते हैं, यहां देखिए एक अहम सवाल, अब मैं आपसे एक अहम सवाल करने जा रहा हूं, जरा गौर से समझिए, आप इसको समझिए कि जो हमने बताया था कि इसको पूरा कैसे किया जा सकता है। देखिए दोस्तों ये शादी ब्याह है, ये शादी है, ये शादी ब्याह के अंदर 200 लोगों में से केवल 2 लोग 1% पे काम करें, वैसे तो आप 10-20 भी कर सकते हैं, आपके अपने मानने की चीज है, आप लिख सकते हैं 200 में से केवल 2 1% पे, अगर आप 1% रेफरल मार्केटिंग कर जाते हैं डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू, अगर आप 1% रेफरल मार्केटिंग कर जाते हैं डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू, तो क्या हो सकता है, इसके बारे में जानने के लिए मैं बताऊंगा। देखिए दोस्तों क्या क्या हो सकता है, आइए समझते हैं। एक बात कहूं, पहली बात तो आपने 1% ही क्यों सोचा, क्योंकि हम लोग नेगेटिव सोचते हैं, शुरू से नेगेटिव सोचते हैं, इसमें कोई दोराई नहीं है। जब मकान जब प्लाट सस्ता हो रहा होता है हम नहीं खरीदते, लोग हम तब खरीदते जब उसमें तेजी आ जाती है, हम विजनर थोड़ा ना, मैंने शुरुआत जब की थी बिकम ए विजनर एंड लर्न फ्रॉम पास्ट। देखिएगा आप यहां से 200 लोगों में से केवल 2 लोग, एक सवाल है क्या 200 घरों में बच्चे नहीं है, क्या 200 घरों को फेसबुक नहीं बनानी, क्या आप अपने बनानी है, क्या उनको आवश्यकता नहीं है इन चीजों की, बस आपका काम है शाहरुख खान बनना, भाई जूस की तरह तारीफ करना, और अगर आप तारीफ करने में माहिर होगे और आपकी टीम तारीफ करने में माहिर होगी तो दोस्तों ये रेफरल कोड बिल्कुल कोरोना की तरह इस तरीके से फैलेगा, इस तरीके से जैसे फेसबुक फैली है आज पूरे वर्ल्ड में फैल चुकी है, और ये देखिए इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, आपका पेमेंट भी डिजिटल, आपका जो रजिस्ट्रेशन भी डिजिटल, सब कुछ डिजिटल, 5G आने वाला, 5G के अंदर फास्ट क्लिक तक 1 मिनट के अंदर आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। आप देखिए 200 लोगों में से केवल 2 लोग, क्या मैं अब आगे चलूं 2 लोगों के लिए, चलिए चलते हैं। देखिए दोस्तों अगर आप 1% पे काम करना चाहते हैं तो मैं 1% पे, आप जितना ज्यादा आपके अंदर की आत्मा बोलती है वो 2 लोग होती है, पर मैं जब बात शुरू करूंगा तो मैं हमेशा एक बात जानता हूं दोस्तों, मैं एक बात कह सकता हूं, देखिए आप क्या नहीं कर सकते ये सिर्फ आप जानते हैं, आप क्या नहीं कर सकते, पर आप क्या क्या कर सकते हैं ये आपकी ग्रेट अपलाइन जानती है, ये आपकी ग्रेट अपलाइन जानती है आप क्या क्या कर सकते हैं, और ये आप नहीं जानते, बस आपको क्या क्या कर सकने वाली चीज है एक ग्रेट अपलाइन की जरूरत है। और ऐसे पहले महीने आपने 1% पे 2 लोग, दूसरे महीने 4, एक बात है सर ये 2 लोगों के भी तो 200-200 लोग होंगे, इनके पास भी तो 1% काम करेंगे तो ये भी तो 4 रेफरल कोड दे देंगे हमें, इसके बाद तीसरे महीने ये 4 लोगों के भी तो 200-200 होंगे, क्या ये रेफरल कोड अगर 1% पे देंगे तो 8 हो जाएंगे, चौथे महीने क्या ये रेफरल कोड देंगे 16 नहीं हो जाएंगे, पांचवें महीने 32, छठे महीने 64, सातवें महीने 128 लोगों को क्या रेफरल कोड नहीं होते, 200-200 लोग नहीं दे सकते 200 में से, दे सकते हैं, ये सब 1% पे काम कर रहे हैं दोस्तों, 1% पे, क्योंकि अभी शुरुआत है इसलिए 1% पे है। 256,512 और 1024, 2048, 11वें महीने में 2048, क्या इन के पास नहीं है रेफरल कोड, दो दे सकते हैं, 4096, क्या 4096 के पास दो नहीं है, आगे तो चला ही, मैं सर 1 साल की इनकम बता रहा हूं, अगर ये आगे फैल गया है ना तो आपकी इनकम का कोई अथाह सागर नहीं है। बिकम ए विजनर लर्न फ्रॉम पास्ट, विजनर क्यों, क्योंकि मैंने पीछे बताया आपको विजनर इसलिए बनो कोरोना की तीसरी लहर आएगी, पास्ट इसलिए सीखो ऑनलाइन पर आने का, इससे बेहतर वर्क को बच्चा एजुकेशन भी ले, साथ साथ रेफरल कोड जितने भी आपके घरों में जाए सब आपके रेफरल कोड के थ्रू जाए, तो आप देख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले
अब मैं आपको इनकम बताने जा रहा हूं गौर से। मैंने शुरुआत में बताया था मैचिंग। देखिए आपने क्या करा था, आपने पहले महीने दो लोगों को किया था, एक और एक, 11,250 ऑर्गेनाइजेशन वन में, ऑर्गेनाइजेशन टू में टोटल इनकम बनी 1,350। ऐसे ही दूसरे महीने आपके कितने हुए, दो दो लोग आगे, क्योंकि इनके भी तो दो दो 1% पे लेना था, चार लोग आए 2,700 रुपया, तीसरे महीने चार पे 5,400 रुपया, चौथे महीने आपका बनता है 8। इसी तरीके से आपकी इनकम बन रही है 10,800। दोस्तों ये पांचवे महीने की इनकम है, 1% पे इनकम बता रहा हूं मैं, ऐसा हो सकता है क्योंकि स्किल डेवलपमेंट करा रहे हो आप किसी को। और ये देखिए पांचवें महीने है दोस्तों आपकी 21,600 और आप बन गए टीसी, पांचवें महीने में टीसी 1% पे। वैसे तो एक ही महीने बन सकते हो आप, लेकिन छठे महीने आप बन गए 43,200 इनकम के साथ बन गए एटीसी, और सातवें महीने आप बन गए डीटीसी 86,400 की, अगर ये डुप्लीकेशन चल गया तो। लेकिन एक सवाल अभी मेरा यहां से है, ये है नौवें महीने, नौवें महीने के अंदर दोस्तों आप सीलिंग अचीवर गारंटी शुदा 1% पे काम करके तो देखो, गारंटी शुदा। और दोस्तों 11वें महीने सीलिंग अचीवर आरटीसी, 12वें महीने एनटीसी, सॉरी 11वें महीने एनटीसी और 12वें महीने सीटीसी, और टोटल रैंक इनकम परफॉर्मेंस बोनस ये सब मिला के लगभग बनता है 11 और 9 20 लाख के करीब, 20 लाख के करीब एक नंबर की वाइट की इनकम। सवाल पैदा होता है लगाया क्या था, अब आप कहेंगे 15,000 रुपये, मैं कहूंगा फिर इसी बात पे कि सर 15,000 कहां लगाया था, 15,000 के तो कोर्स कर लिए, लगाया क्या था, जीरो इन्वेस्टमेंट और 20 लाख रुपए, रेफरल कोड, कोई पेमेंट नहीं, कोई प्रोडक्ट नहीं, कुछ नहीं लेना, सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू चलना है, 5G यूज करना है। एक सवाल और करना अपने आप से, क्या आपके मोबाइल आपको कभी कमा के देता है, नहीं देता, तो आप मोबाइल से पूछ के देखो भाई तेरे में ऐसे क्या डालू जो कमा के देगा, तो हम सीधा बात कहेंगे रेफरल कोड, रेफरल कोड डाल, वो भी सीखेगा, आगे भी सिखाएंगे, तो आपका मोबाइल कमाने वाला बन जाएगा आज से। अब देखिए एक सवाल फिर पैदा होता है, अब दुनिया की नंबर वन कंपनी, ऐसी कंपनी जो इतनी बड़ी विजनर बनी, जिसने आज दुनिया के इतिहास में इतने बड़े प्लेटफॉर्म को दिया, क्या ऐसी कंपनी के बारे में नहीं जानना चाहेंगे? तो दोस्तों ऐसी कंपनी के लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं हम MLFStyleMarketing.com। MLFStyleMarketing ये एक ऐसी कंपनी है जो कि आने वाले वक्त के अंदर इतिहास रचेगी, आपको इस कंपनी में शामिल होना ही चाहिए। और ये अभी खाली इसी बेस पे नहीं है, ये हेल्थ के भी काम करती है, आयुर्वेदिक के प्रोडक्ट करती है, ये पहले वो करती थी, और ये विजनर समझते हुए डिजिटल मार्केटिंग के अंदर लेके आए हैं। अब आपके सामने एक बात, सबसे अहम बात, डिसीजन कहते हैं इन ए मोमेंट ऑफ डिसीजन डेस्टिनी इज शेप। जिस वक्त तक आप डिसीजन नहीं लेते आपकी डेस्टिनी कोई भी शेप नहीं लेगी। आज आप बगैर डिसीजन चले गए तो आप वैसे के वैसे जो आप कर रहे हो, जिस भी जिंदगी को आप जी रहे हो, वैसे वापस उसी जिंदगी में वापस चले जाएंगे। परंतु अगर आज आपने एक जिसने डिसीजन ले लिया, तो आज वो जो डिसीजन है वो आपको मैं गारंटी दे सकता हूं, आपका एक डिसीजन ले जाके हो सकता है 25 लाख, 20 लाख, 30 लाख एक साल में। एक और सवाल, क्या ये आगे जाके बंद हो जाएगा, क्या आगे रेफरल मार्केटिंग बंद हो जाएगी? नहीं दोस्तों, अगले साल तो इनकम आपको बैंक में रखनी पड़ेगी। तो यहां तक था, आप डिसीजन लीजिए, मैं आपके साथ हूं, मेरी पूरी पूरी एंटायर टीम आपके साथ है, हम लोग पूरा पूरा मेहनत करेंगे आपके साथ, आपको एक एक चीज सिखाने के लिए तैयार हूं। तो दोस्तों अब यहां से मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं, जय हिंद जय MLFStyle। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही सरल शब्दों में हमें इतनी अच्छी जानकारी दी, शायद से मैं आशा करती हूँ कि शायद सबको समझ में आई होगी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी। कि देखो अगर हम छोटे से भी बच्चे को ट्यूशन पढ़ाते हैं तो करीब करीब उसकी ट्यूशन फीस 1,000 से कम नहीं होती, और ये तो हमें 1,000 के करीब ही पड़ेगा, और उसमें भी हम तीन तीन कोर्स पर डे कर सकते हैं। तो आप इस काम को देरी ना करें और जल्दी ही कल ही जिसके माध्यम से आप यहाँ पर आए उनसे जरूर परामर्श करें, और इसको जो तुम्हारे सामने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है उसको देने में बिल्कुल विलंब ना करें, और जल्दी से ही आप अपने सीनियर की सहायता से इसको जरूर लें। तो मैं सर आपसे आपके 2 मिनट और लेना चाहूंगी कि आपको इस प्लेटफॉर्म पर आकर कैसा लगता है सर, थोड़ी सी शेयरिंग करिए सर अपनी। जी थैंक यू, थैंक यू मैम दीपिका मैम, थैंक यू सर। मेरे को एक ही चीज नजर आती है कि अगर कोई सपने पूरे कर सकती है तो वो केवल केवल MLF पूरे कर सकती है, क्योंकि अगर
बिना किसी प्रोडक्ट के, जब छोटे छोटे प्रोडक्ट थे वो लोगों के सपने पूरे कर चुकी, आज तो आपके हाथ में पारस मनी है। और दोस्तों हमेशा दो चीजें मेरे साथ हमेशा ध्यान रखना, आप खर्चा नहीं कर रहे हो, जो लोग अभी तक निर्णय नहीं ले रहे उनके दिमाग में ये आ रहा है हाय 15,000 चले काम कर लेना, मेरी गारंटी है 15,000 को बचा के बैंक में डाल देना, 5 साल तक 30,000 बनेंगे और यहाँ 5 साल तक 300 करोड़ रुपया बनेगा। आपका डिसीजन है, आपने करना है। मैंने डिसीजन लिया दोस्तों, 16 जून को लॉन्च हुआ, मेरे बेटे ने कहा पापा देख तो लो इसमें क्या है। बेटा सबसे पहले अगर हम नहीं देखेंगे तो कौन दिखेगा? तो लीडर जो होता है वो सबसे पहले डिसीजन लेता है, उसी के डिसीजन पर ही आगे पूरे फॉलोअर उसके पास जाते हैं, सब उसको बड़ी शांति से उसको सुनते हैं। तो मैंने ये डिसीजन लिया था, मुझे बहुत बेहतर लगा और माननीय रविंद्र सर और मुकेश सर ने मुझे बहुत सहयोग करा है, बहुत सारी चीजें मुझे सिखाई हैं। तो थैंक यू, जय हिंद, जय मलेश्वर। थैंक यू सो मच सर आपके बहुत ही गोल्डन वर्ड्स के लिए। तो लीडर्स हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, हमारे बीच में बहुत सारे लीडर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, अपना डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हैं, अपना ईगल्स भी हैं और टाइगर लीडर्स भी हैं, पर लेकिन मैं सबको इस टाइम नहीं बता पा बुला पाऊंगी यहाँ पे। अभी तक आपने हमारा देखा था थ्योरेटिकल पार्ट्स, अब देखिए लीडर्स हम दिखाते हैं आपको प्रैक्टिकल पार्ट्स। तो कुछ लीडर्स बैठे हुए हैं यहाँ पे टीसी रैंक जो होल्ड करते हैं, सुषमा मनचंदा मैम, राकेश सर, राकेश, मनोज सर, जावेद सर और धर्मवीर सर। मात्र मैं आपको 30-30 सेकंड दूंगी अपनी शेयरिंग करने के लिए। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी सुषमा मनचंदा मैम। रूम पर उपस्थित सभी को नमस्कार करती हूँ जी। मैं ये बिजनेस जो है मैंने प्रोडक्ट को यूज करते हुए शुरू किया था और अच्छे से सीखते हुए अपनी अपलाइन से और ये आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय महाराज। इसी क्रम में मैं आगे बुलाना चाह रही हूँ धर्मवीर सर को जो टीसी होल्ड को रैंक करते हैं। जी सर, इन सर बोलिए। मैं सभी लीडर्स को नमस्कार करता हूँ। फलों का व्यापार है, फलों के व्यापार के साथ साथ सीखते हुए मैं इस बिजनेस को आगे डेवलपमेंट कर रहा हूँ और इसमें मेरा बहुत बड़ा योगदान रहा है मुकेश सर का, जो मुझे पल पल पर सिखाते हुए और पल पल पर आगे बढ़ाते हुए ले जा रहे हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय माई लाइफस्टाइल। अब हमारा अगला रैंक आता है एटीसी, तो उसमें भी मैं कुछ लीडर्स को देख पा रही हूँ। तो हमारे बीच में बैठे हुए हैं डिंपल चौधरी मैम। डिंपल चौधरी जी नमस्ते जी। थैंक यू मैम। सभी को मेरा नमस्कार। और मैं डिंपल चौधरी ब्यूटिशियन अलीगढ़ से, और मैं अलीगढ़ से हूँ, ब्यूटिशियन का काम करती हूँ। उसके साथ साथ इस बिजनेस को सीखते हुए बहुत अच्छे तरीके से कर रही हूँ, यानी कि हमारा ये बिजनेस ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी दोनों तरीके से सिखाया जा रहा है। तो अब जो जैसे कि पवन शर्मा सर ने जो जानकारी दी, बहुत गजब की जानकारी दी, बहुत बेहतरीन जानकारी दी, यानी कि इसमें हमें बहुत सारी चीजें सीखने को भी मिल रही हैं और इनकम, एक्स्ट्रा इनकम भी मिल रही है। तो और बाकी का, और हम सीखते हुए इस बिजनेस को बहुत आगे कर रहे हैं। और हमारे जो चीफ गेस्ट हैं निशा भारती मैम और रविंदर सर और मुकेश सर, वो हमें हर पल आगे हमें सिखा रहे हैं और आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो थैंक बाकी यू का जय सो हिंद, जय माई लाइफ स्टाइल। थैंक यू मैम। आगे मैं इसी क्रम में बुलाना चाहूंगी कैलाश सोनिक सर को। नमस्कार आप सभी को, मेरा नमस्कार। और मैं कैलाश कुमार सोनिक और अलीगढ़ से बिलोंग करता हूँ। मेरा मेडिसिन होलसेल का काम है, उस काम को करते हुए पार्ट टाइम में इस बिजनेस को करता हूँ। और आज यहाँ पर जो सर ने आज प्रेजेंटेशन दी है बहुत ही अच्छी है, बेहतरीन दी, जो हमको नहीं मालूम था कुछ ही बताई। और जो उन्होंने कैलकुलेशन बताया है वो कैलकुलेशन भी बहुत ही बढ़िया था कि 1 साल में हम एनटीसी और आईटीसी तक पहुंच सकते हैं, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और कैलकुलेशन जब होती है बढ़िया, सब दिमाग में सबके सामने आती है, तो ये काम हमारा आसान हो जाता है। तो आज का ये वंडरफुल उन्होंने जो हमें जानकारी दी है इसके लिए थैंक यू। जय हिंद, जय माई लाइफ स्टाइल। थैंक यू सो मच सर। अब हम इसी क्रम में आगे चलते हैं जो हमारे डीटीसी रैंक को होल्ड करते हैं, तो मैं बुलाना चाहूंगी अरविंद सर को। अरविंद सर अपनी शेयरिंग करिए 1 मिनट में। थैंक यू सो मच मैडम जी, आपने आमंत्रित किए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ भी बोलने से पहले मैं अपने सभी अपलाइन को नमन करना चाहता हूँ
और खास करके माननीय मुकेश सिंह साहब और डॉक्टर रविंदर सिंह साहब और डॉक्टर निशा भारती मैम। देखिए अब मैं इस बिजनेस में सिर्फ आज के डेट में देखिए मैं LIC ऑफ इंडिया के साथ साथ इस बिजनेस को मैं इसीलिए प्रमोट कर रहा हूँ कि देखिए वहाँ पर एक्टिव नेचर इनकम, मतलब जब तक हम काम करेंगे तभी तक हमको पैसा मिलेगा, और यहाँ पर पैसिव नेचर इनकम मतलब निष्क्रिय आय, और ये भी निष्क्रिय आय 7th generation। तो हमको देखिए इसमें सबसे हमारा जो इस काम में करने का यही है कि मुझे यहाँ पर निष्क्रिय आए और मैं 7 पीढ़ी तक सुरक्षित करके जाऊंगा। तो थैंक यू, आप अपने बात को यहीं पर समाप्त करते हैं। खुद भी हूँ JTC रैंक को होल्ड करती हूँ, तो मैं भी बहुत अपने आप को ग्रेटफुल समझती हूँ कि मेरे को इतने अच्छी अपलाइन मिली, डॉक्टर रविंदर सर, निशा भारती मैम और माननीय मुकेश सर का साथ मिला, जो हमें हर पल पल सिखाते रहते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं कि हमें ऐसे करना चाहिए, अपनी टीम को ऐसे बढ़ाना चाहिए। वो हमें पूरा समझाते हैं, जैसे एक बच्चे को माँ बाप समझाते हैं उसी प्रकार वो हमें समझाते हैं। तो थैंक यू सो मच सर। इसी रैंक पे होल्ड करते हैं इकबाल सर, माननीय इकबाल सर। शायद से वो मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। नेक्स्ट लीडर है हमारे प्रवीण रंजन सर। आज कुछ मौसम की वजह से नेटवर्क इशू है, शायद प्रवीण रंजन सर भी मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। तो मैं नेक्स्ट रैंक RTC रैंक में बुलाना चाहती हूँ देवेंद्र सर। शायद से वो हमारे बीच में नहीं है। तो थैंक यू सो मच लीडर्स, आपने हमें अपना टाइम दिया। अब मैं आप सभी के बीच में अपने जो हमारे बहुत अच्छे ट्रेनर हैं, आज के टाइम में यहाँ पे 6-6 विदेश यात्रा कर चुके हैं, 3-3 गाड़ियां ले चुके हैं, और बहुत अच्छे ट्रेनर हैं जो इधर उधर जाके भी अपनी ट्रेनिंग को देते हैं, लोगों को समझाते हैं, और हमारे बीच में आए हुए हैं। तो मैं माननीय मुकेश सर को बुलाना चाहूंगी आप सभी के सहयोग से। तो सर आइए प्लीज। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच दीपिका मैम। आप सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इन्वाइट किया, और शर्मा जी को बहुत बहुत बधाइयां, इतना शानदार तरीके से उन्होंने MIDG वर्ल्ड को सब लोगों के सामने रखा, और आपको भी बहुत बहुत बधाइयां, आपने इतने शानदार तरीके से आज के प्रोग्राम का संचालन किया, वाकई में काबिले तारीफ। और देखिए मैं कुछ भी बोलूं उससे पहले बहुत ही थैंकफुल हूं मेरे सभी सीनियर्स का, माननीय डॉक्टर सिसोदिया साहब, डॉक्टर रविंदर सर, और स्पेशली हमारी ग्रेट अपलाइन जो आज हम लोगों को सब लोगों को यहाँ पर सिखा रहे हैं, डॉक्टर निशा भारती मैडम जी, बाकी हमारे सभी सीनियर्स बंसल साहब, संकेश वायल सर, राजेश यादव सर, मैं सभी सीनियर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इस शानदार अपॉर्चुनिटी को हम लोगों तक पहुंचाने के लिए और हम लोगों को इस बिजनेस को सिखाने के लिए। देखिए मैं अलीगढ़ से हूँ, इस बिजनेस में आने से पहले प्राइवेट जॉब में था, और प्राइवेट जॉब के साथ साथ मुझे इस काम को समझने का मौका मिला। मैंने इस काम को एज ए पार्ट टाइम में शुरू किया, और पार्ट टाइम से जब मुझे एक अच्छी इनकम यहाँ से आने लगी, ऑलमोस्ट मैं डबल इनकम मेरी जॉब से लेने लगा, तो मैं इस बिजनेस में फुल टाइम आ गया। आज मैं इस बिजनेस को एज ए फुल टाइम, एज ए मेरा करियर मैं यहाँ पर डेवलप कर रहा हूँ। बहुत बड़े बड़े चेंजेस इस मैनेजमेंट की वजह से मेरी लाइफ में आए, जो कि अभी आपको दीपिका मैम ने बताया, मैं एक बाइक पर चलने वाला आदमी यहाँ से 3-3 कार परचेज कर पाया, जिसने कभी जिंदगी में हवाई जहाज नहीं देखा था, यहाँ से 6-6 फॉरेन ट्रिप्स में क्वालिफाई कर पाया, और मैं आज इस मैनेजमेंट के जरिए से वाइट का करोड़पति बन पाया। तो ये दोस्तों ये सब कुछ मेरी लाइफ में हुआ सिर्फ इस मैनेजमेंट की वजह से। आज जिसके साथ आपने इस बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी को देखा है, वो आज तो माहौल इतना अच्छा है, आज तो आप एक चीज समझ के चलिए, इतनी अच्छी अच्छी चीजें आज ये मैनेजमेंट हम लोगों के लिए लेके आते जा रहा है, जिससे कि हमें मॉनेटरी बेनिफिट तो होगा ही होगा, आज हम लोग पैसा तो कमाएंगे, साथ में हम हमारी फैमिली को, हमारे बच्चों को स्किल डेवलपमेंट करवा सकते हैं, उन लोगों के अंदर वो टैलेंट डेवलप कर सकते हैं जिस टैलेंट के दम पर वो और बच्चों से कुछ हटके कर सकते हैं। जैसे कि आज आप लोगों के सामने कई सारे एग्जाम्पल हमारे पवन शर्मा जी ने आज आपको दिए, चाहे किसी ने फेसबुक बनाया हो, या किसी ने पेटीएम बनाया हो, या किसी ने फोन पे बनाया हो, या फिर किसी ने अमेजोन बनाया हो, या ओला उबर बनाया हो। आप सोच के देखिए किस कॉलेज में सिखाया जाता है कि ओला के लिए सॉफ्टवेयर बनाना है, कि उबर के लिए सॉफ्टवेयर बनाना है, कि फेसबुक बनाना है, कि अमेजोन बनाना है, कहां सिखाता है, कौन सिखाता है, किस कॉलेज में सिखाता है।
लेकिन ये एक ऐसा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म हमारी कंपनी ने तैयार कर दिया है जहां हम हमारे बच्चों को ये सारी चीजें करना सिखा सकते हैं और इतना सस्ता वाकई में, जिसमें कि जब आप लोगों को पता चलेगा एक्चुअली इन कोर्सेज की कीमत क्या है, तब आपको लगेगा सर 15,000 में तो कुछ भी नहीं होता। मैंने मेरे बेटे के लिए कोडिंग का पता किया था, 25,000 रुपए फीस मांगी थी मुझसे कोडिंग के लिए, 25,000 फॉर सिंगल कोर्स। उसके अलावा तो आप सोचिए, कोडिंग के अलावा ग्राफिक्स है और रोबोटिक्स है, कितनी सारी चीजें बताई शर्मा जी ने आपको। तो सिर्फ 15,000 में इतनी सारी चीजें यदि आज हमारी फैमिली को, हमारे बच्चों को सीखने के लिए मिल रही है, तो मैं बोलता हूं ये हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। और उसमें भी सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि आप ये 15,000 देने के बाद यहां से पैसा कमा सकते हो। आप कुछ लोगों को इन्हीं चीजों को शाहरुख खान की तरीके से प्रमोट करके, आज शाहरुख खान बायजूस को प्रमोट करता है करोड़ों रुपए लेता है, आप MIDC वर्ल्ड को प्रमोट कीजिए लाखों करोड़ों रुपए आप भी कमाइए। आप शाहरुख खान के कंपेयर में आप अपने आप को खड़ा कर सकते हो MIDC वर्ल्ड को प्रमोट करने के लिए। और ये अपॉर्चुनिटी आज हम लोगों को तो मिल गई है, हम सभी लोग आज इसको प्रमोट कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं, तो ये सब आप लोगों के साथ भी हो सकता है। और लास्ट में एक चीज और बोलूंगा, इस बिजनेस की खूबसूरती, वाकई में कितना खूबसूरत बिजनेस है आप सोच के देखिए। अभी लॉकडाउन चल रहा था, लॉकडाउन में सारे के सारे बिजनेस बंद पड़े हुए थे, लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए लगा के भी धंधे खोले हुए थे, सब बंद पड़े थे। लेकिन मैं अभी देख रहा था, अभी TDS अपडेट किया था कंपनी ने जनवरी से लेके मार्च तक का, सर जनवरी से मार्च तक की मेरी एवरेज इनकम सारी IDs की 1,00,000 रुपए महीने थी। आप बताइए, घर बैठ के 1,00,000 रुपए महीने, इससे ज्यादा बढ़िया क्या बात हो सकती है? वो भी मैं जहां बैठा हुआ बस इसी रूम के अंदर बैठ के फोन के ऊपर काम करके। और लॉकडाउन हट जाएगा तो आप सोच के देखो फिर इनकम कितनी रहेगी। तो ये सब कुछ आप लोगों के साथ भी हो सकता है, तो जस्ट स्टार्ट करिए। सपोर्ट करने के लिए मैं आपके साथ हूँ, हमारे सारे लीडर्स आपके साथ हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद, जय माय लाइफ स्टाइल। थैंक यू सो मच सर आपके गोल्डन वर्ड्स के लिए। शायद से सभी लीडर्स को सर की बात समझ में आई होगी कि इस प्रोडक्ट को लेने में ज्यादा विलम्ब ना करें और अपनी बच्चों के लिए जो अच्छी एजुकेशन 15,000 रुपए में, मात्र 15,000 रुपए में मिल रही है, तो उसका जरूर बेनिफिट ले। तो मैं इसी क्रम में आगे अपनी ग्रेट अपलाइन डॉक्टर रविंदर सर, माननीय रविंदर सर को बुलाना चाहूंगी आप सभी के वार्म वेलकम से। तो प्लीज वेलकम ऑन जूम स्क्रीन माननीय रविंदर सर। थैंक यू दीपिका मैम, कॉन्ग्रेचुलेशन शानदार एंकरिंग के लिए, बहुत बेहतरीन आपने आज संचालन किया है पूरी मीटिंग का, और बहुत बहुत बधाई शर्मा जी आपको, इतने शानदार ढंग से इतने सरल शब्दों में आपने जो आप MIDG वर्ल्ड और उससे क्या क्या टैलेंट आप दिलवा सकते हैं, स्किल करवा सकते हैं बच्चों में। अब आप ये देखिए कि हम जाने अनजाने के अंदर कितने सारे रिकमेंडेशंस करते रहते हैं ऐसी चीजों का जिसका हमें एक भी पैसा नहीं आता। और यहाँ पे अगर हम जैसे अपने लोग जान पहचान के परिचित लोगों से, यार दोस्तों से ऑलरेडी बात करते थे, उन्हीं लोगों से अगर आपने MIDG वर्ल्ड की चर्चा करी और उनको भी इस चीज के बारे में समझ में आ गई, तो उनके बच्चों के अंदर कितना टैलेंट आ जाएगा, कितनी स्किल आ जाएगी, और उस स्किल के बलबूते पे वो कितना सारा पैसा कमा सकते हैं, कितनी बड़ी उनकी सपोर्ट हो सकती है परिवार के लिए, कितना अच्छा बैंक बैलेंस खड़ा कर सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग तो करेंगे ही करेंगे वो, साथ साथ में जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उसमें भी उनके बिजनेस में, उनके काम में 4 चांद लग सकते हैं। अभी कितने सारे 250 से ज्यादा कोर्स तो आज मेरे ख्याल से यहाँ पे आ चुके हैं, 71 तो पहले थे। तो इतने सारे कोर्सेज, कोडिंग है, ग्राफ्टिंग है, और उसमें डांसिंग है, कुकिंग है, गेम है, हेल्थ है, योगा है, कितने सारे सिंगिंग है, ऐसे अनेकों अनेक कोर्स इसके अंदर से आ गए हैं जिनके बलबूते पे आप अपने बच्चों को इतना स्किल दे देंगे, इतना स्किल दे देंगे जो एकेडमिकली वो पढ़ाई कर रहे हैं उसके साथ साथ, और आप भी अपने आप को आज के जमाने के हिसाब से कितना ज्यादा अपडेट कर लेंगे। और देखिए, जब बताया कि 15,000 में मात्र 365 दिन का कोर्स आपको मिलता है, डेली 3 कोर्स आप कर सकते हैं, तो आप अपने परिवार में हर मेंबर को, इवन के 1-2 रिश्तेदारों को भी आप करवा सकते हो, लेकिन उनको करवाइएगा 15,000 रुपए में, तभी उनको वैल्यू का पता लगेगा उसमें कि वास्तव में हमने बहुत अच्छी चीज सीखी है और सिखवा रहे हैं।
अगर आपने फ्री में उनको दे दिया कि नहीं आप मेरे उससे कर लीजिए, तो ऐसी गलती कभी भी मत कर दीजिएगा। उनको एहसास तभी होगा जब वो खुद के उसमें से थोड़ा सा इन्वेस्ट करके, आप बताइए कि 15,000 रुपए में आपको लाखों रुपए महीने कमाने का स्किल आपको मिलता है, तो कहाँ पे पॉसिबल है? ये सिर्फ और सिर्फ माई लाइफ स्टाइल में हो सकता है, सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग में हो सकता है, ये सिर्फ हिंदुस्तान में हो सकता है। हमारे एमडी साहब प्रवीण जी चंदन साहब कर सकते हैं, आपके अप्लायंस आपको सिखा सकते हैं इतने शानदार कोर्सेज को। तो आज से ही ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस स्किल को पहुंचाइए, इस कोर्स को पहुंचाइए, ताकि आप फायदा उठाएं, आपकी जान पहचान के लोग भी फायदा उठाएं और बहुत बहुत पैसा, नाम, शोहरत, स्किल अपने अंदर से भर लें। इसी के साथ जय हिंद, जय माई लाइफ स्टाइल। थैंक यू सो मच सर आपके गोल्डन वर्ड्स के लिए। और देखिए दोस्तों, अब लास्ट में हमारी ग्रेट ग्रेट मेंटर गुरु जो हमारे बीच में है आज, तो मैं आप वो लाखों लोगों को, हजारों लोगों को अपनी सारी इतनी जो उनके अंदर कूट कूट के भरी हुई है, उनके अंदर जो इतनी वो ट्रेनिंग देते हैं लीडर्स को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को, और जो उनकी लीडर जो उनकी ट्रेनिंग को ले लेते हैं वो कभी असफल नहीं होते, जिनमें से एक मैं भी हूँ। तो मैं बुलाना चाहूंगी आप सभी के वार्म वेलकम से माननीय निशा भारती मैम, प्लीज जूम स्क्रीन। आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। यस, सभी को मेरा बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। इस जूम हॉल में उपस्थित सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स को और लीडर्स को आज का ये प्रोग्राम बहुत शानदार था। बहुत ही सरल रूप में, बहुत ही शानदार तरीके से इस प्रोग्राम को आपके सामने रखा गया। और जो लोग अभी तक यहाँ मौजूद हैं, इतना तो तय है कि आप लोग इसका फायदा लेना चाहते हैं और पूरा फायदा लेना चाहते हैं। देखिए, ये माई डिजी वर्ल्ड का ये प्रोग्राम जितना बहुत ही शानदार तरीके से आज हमारे पवन शर्मा सर ने दिखाया, एक बहुत ही शानदार एक कपल है दीपिका शर्मा जी और पवन शर्मा जी, जिन्होंने बहुत ही फुल ऑफ एनर्जी और बहुत ही शानदार तरीके से इसको बताया। मैं पूरा प्रोग्राम बहुत ही मंत्रमुग्ध होकर सुन रही थी, बहुत ही अच्छी जानकारी उन्होंने दी। लेकिन एक सबसे अच्छी बात जो आपने देखी होगी, आपने समझी होगी, वो ये है उनका विजन, और वो इस पे काम कर रहे हैं, वो इस प्रोडक्ट के ऊपर, वो इस प्रोग्राम के ऊपर काम कर रहे हैं, और उन्होंने इससे अपने टारगेट बनाए हैं, और वही चीज वो आपको पास ऑन की है आज उन्होंने एक प्रोग्राम के माध्यम से। तो अगर आज सचमुच आप इस प्रोग्राम का पूरा फायदा लेना चाहते हैं, तो इस पैकेज को, इसको एजुकेशन के लिए तो लेना ही लेना है और अपने परिचितों को देना ही है, लेकिन इसको बिजनेस के लिए इस्तेमाल करें, जैसे उन्होंने करना शुरू कर दिया है, एजुकेशन के लिए भी और बिजनेस के रूप में भी, और इसका पूरा पूरा फायदा आप उठाइए। तो वास्तव में ये बहुत ही शानदार प्रोग्राम है जिससे सीखा जा सकता है, एजुकेशन, लर्निंग ये सब की जा सकती है, और अर्निंग के लिए सीखते हुए अपनी अप्लायंस का हाथ पकड़ते हुए, इस माई डिजी वर्ल्ड का हाथ पकड़ते हुए आप चलना शुरू करिए, आपका नेटवर्क बनेगा और आपकी इनकम शुरू हो जाएगी। तो मैं बार बार बधाई दूंगी आपको यहाँ सीखने के लिए, आने के लिए, आपके डिसीजन के लिए, और वास्तव में ही आप अगर यहाँ से शुरुआत करते हैं तो आपको पीछे मुड़के नहीं देखना पड़ेगा। जिस तरीके से फेसबुक और जितने सारे नेटवर्क बने हैं, वैसे ही आपका अपना एक खुद का नेटवर्क होगा, और वो सिर्फ इसलिए होगा क्योंकि आप इसको बनाने के लिए एक कदम उठाने को तैयार हैं। तो उठाइए अपना कदम, और जिसने भी आज आपको बुलाया है उसको धन्यवाद करिए दिल से, ताकि वो आपके साथ खड़ा है और आपको सिखाने के लिए तैयार है। और हम सब लोग इस जूम हॉल में उपस्थित आपको बधाई देना चाहेंगे आपके सुंदर डिसीजन के लिए, और आपकी लगातार मदद करने के लिए तैयार हैं। तो विश यू ऑल द बेस्ट। अब मैडम को बहुत ही सुंदर संचालन के लिए एक बार फिर से दिल से बधाई, और पवन शर्मा सर को इतने सुंदर प्रेजेंटेशन के लिए, इतने शानदार प्रेजेंटेशन के लिए हार्दिक बधाइयां, बहुत बहुत बधाइयां। जय हिंद, जय माय लाइफस्टाइल। तो लास्ट में मैं एक ही लाइन बोलूंगी सभी को कि मैम ने इतने गोल्डन वर्ड से भी आपको समझाया, मुकेश सर ने भी समझाया, रविंदर सर ने भी समझाया और पवन सर ने भी समझाया, तो अब आपने इसमें बिल्कुल भी विलंब नहीं करना है। जैसे हमने अपना विनिंग एटीट्यूड दिखाया कि हमने 16 तारीख को ये लॉन्च हुआ था और 17 को हमने ये ले लिया प्रोडक्ट, तो आपने भी आज सुना है हमें और आपने कल इसको जरूर लेना है, क्योंकि जब तक हम यूजर नहीं बनेंगे तब तक हम कुछ भी पास ऑन नहीं कर पाएंगे कि इसमें क्या है। आज जो सुनने सुना वो आप भूल जाओगे कल तक, लेकिन आप जब यूज करोगे तो उसको अच्छे से सामने वाले को बता पाओगे।
देखिए इसका यही कहना है, हम इसको यूज करें तभी रिकमेंड करें और जरूर करें। तो आप सभी सीनियर्स को मेरा तहे दिल से नमस्कार।